ये मैंने लॉकडाउन में लिखी थी, जब लाइफ में थोड़ी बोरियत फैली हुई थी ना तब। थक गई हैं सांसें अब चलना नहीं चाहती, थक गई हैं सांसें अब चलना नहीं चाहती, ये रुकना तो चाहती हैं पर रुक नहीं पाती। पलकें मानो भारी लगती हैं, आँखें खुलना नहीं चाहती, कि पलकें तो मानो भारी लगती हैं, आँखें खुलना नहीं चाहती, निगाहें दीदार तेरा चाहती हैं पर कर नहीं पाती। थैंक यू। मेरे भीतर मानो गमों का सैलाब आया है, मेरे भीतर मानो गमों का सैलाब आया है, जुबान तो बयां करना चाहती है पर कर नहीं पाती। और मायूसी की जो आंधियां हैं, ये मायूसी की जो आंधियां हैं वो आना नहीं चाहती, ये थमना तो चाहती हैं पर थम नहीं पाती। हाँ यूँ तो दिल धड़कता रोज़ है, हाँ यूँ तो दिल धड़कता रोज़ है, पर धड़कन ये शोर करना नहीं चाहती, ये खामोश तो होना चाहती हैं पर हो नहीं पाती। शुक्रिया। और ये जो मैंने लिखा है वो किसी शाही पर्सन के लिए है, वो हम जब कोई पर्सन किसी को पसंद करता है बट वो बोल नहीं पाता है, लेकिन हमें पता है वो हमें पसंद करता है। तो बातें घुमा फिरा कर करते हो सीधा बताते क्यों नहीं, बातें घुमा फिरा कर करते हो सीधा बताते क्यों नहीं, इश्क करते हो अगर तो जताते क्यों नहीं। सुना है तुम्हें मोहब्बत है हमसे, सुना है तुम्हें मोहब्बत है हमसे, अगर बात ऐसी है तो बात आगे बढ़ाते क्यों नहीं। शुक्रिया। और सामने आ जाऊँ अगर तो मुड़ मुड़ कर देखा करते हो, और सामने आ जाऊँ अगर तो मुड़ मुड़ कर देखा करते हो, कमी बस इतनी है कि देख कर मुस्कुराते क्यों नहीं। हमाना इश्क तो करते हो, हमाना इश्क तो करते हो मगर तसव्वुर में करते हो, ज़िंदगी बनाना चाहते हो अगर तो ज़िंदगी कहते क्यों नहीं। और सुना है मिजाज तुम्हारा भी शायराना है, और सुना है मिजाज तुम्हारा भी शायराना है, अगर ऐसा है तो मेरे लिए शायरी लिखते क्यों नहीं, और अगर अल्फाज खामोश है तो मोहब्बत लिखते क्यों नहीं। शुक्रिया। गाइज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट, एंड आई होप यू विल सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।